हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज के इस गेम प्ले में हम दो लाइव वॉर अटैक्स करने वाले हैं और हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है जाय वो विच। तो हम जायंट बॉलर और विच लेने वाले हैं, उसी के साथ बैट स्पेल्स, फ्री स्पेल्स एंड सीसी में बलून्स एंड बैटल ब्लिप लेने वाले। तो 11 जायंट्स, 10 विच, 10 बॉलर्स और 8 बैट स्पेल्स, 7 बलून्स। पर हमारा बैटल ब्लिम का जुगाड़ हुआ नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे। तो पहले हम वॉर अपोनेंट देख लेते। तो ये चाइना क्लैन है, अच्छे खासे प्लेयर्स है। और अब हमारा अपोनेंट प्लेयर 4 नंबर, वैसे तो इसका बेस तो काफ़ी नल्ला है पर चल जाएगा, हम इसी पे अटैक करने वाले हैं। इसके पास सिर्फ एक ही लाइन में सब विज़र्ड टावर्स और मल्टी इंफर्नो है, हमें सिर्फ मल्टी इंफर्नो को टारगेट करना है और बैट स्पेल्स उनका काम तमाम कर देंगे। और विज़र्ड टावर्स पे हम फ्री स्पेल डाल के बैट्स को बचा लेंगे। तो चलते हैं अटैक के लिए। सबसे पहले बैटल ब्लिम का जुगाड़ करते हैं, शायद बैटल ब्लिम आ चुकी है। हाँ, बैटल ब्लिम आ चुकी है और अब चलते हैं सीधे अटैक के लिए। तो सबसे पहले वार्डन को ग्राउंड करते हैं और बैटल ब्लिम को 6 o'clock से छोड़ देते हैं। और फनल बनाने के लिए कुछ आर्चरीज को डाल देते हैं और ये बैटल ब्लिम डायरेक्ट जाके फूटेगा आर्टिलरी पे। और ये फ्री स्पेल डाला और सभी के सभी बैट स्पेल डाल के हम मल्टी इंफर्नो को टारगेट करने वाले हैं। तो 2 फ्रीज हमारे, 3 फ्रीज शायद हमारे जा चुके हैं। ये विज़र्ड टावर को ले ले तो बहुत अच्छा होगा। ये बैट स्पेल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब हम अटैक शुरू करते हैं। अब यहाँ से जायंट और विच और अब सभी के सभी वॉल ब्रेकर और उसके बाद सभी के सभी बॉलर्स और उनके पीछे हमारा गुड्डा वार्डन। तो बार्बिन किंग से हम सिर्फ डिस्ट्रक्शंस लेने की कोशिश करेंगे। उन्हें 2 विज़र्ड्स बचा के रखे तो उन्हें डाल देते कहीं पे। फनेल वगैरह तो क्रिएट हो चुका है, सभी ट्रूप्स कोर में जा चुके हैं। ये विज़र्ड टावर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है, सभी का पत्ता कट चुका है शायद। तो ये देखिए हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, ये अटैक 3-star होगा? अभी के अभी गेम पॉज करके और वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये शायद, मुझे तो लगता है ये 3-star ही अटैक है, क्योंकि अब बैट्स, क्योंकि यहाँ पे अब स्केलेटन्स को मारने वाला कोई बचा ही नहीं है। बॉलर्स टाउन हॉल को फोड़ चुके हैं और हमारे सभी हीरोज की एबिलिटी भी अभी बाकी है। तो देखते हैं अटैक, शायद मुझे लगता है हमें हमारे हीरोज की एबिलिटी दे देनी चाहिए। सबसे पहले हमारा ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी जाएगी और अब बार्बियन किंग की और उसके पीछे ही आर्चरी क्वीन की। तो ये अटैक हो चुका है 3-star और देखिए कितने सारे स्केलेटन्स बाकी थे अभी भी। एक डिलीशियस 3-star अटैक। इसी के साथ हमारे 8 stars हो चुके हैं। अगले अटैक के लिए हमें वॉल रेकर चाहिए, तो वॉल रेकर की रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे सीसी में बलून्स ही रहेंगे और स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी, 11 जायंट्स, 10 बॉलर्स, 10 विच। तो वॉल रेकर का इंतज़ार करते हैं। ये आ गए हमारे बलून्स, वॉल रेकर और ये मैक्स लेवल की रेस स्पेल। थैंक यू शिवा भाई। तो ये हमारी सेम आर्मी और उसी बेस के नीचे वाला बेस हम फोड़ने वाले हैं, जो कि है 5 नंबर का बेस। तो सबसे पहले उसे स्काउट करके दिखाता हूँ। मैं उसे पहले देख चुका हूँ पर आपके लिए
स्काउट दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे चार जो विजार्ड टावर्स है वो बहुत कम लेवल के हैं, और उसी के साथ वो एक लाइन में भी है, और हमारे लिए जो प्रॉब्लम देने वाला इंफर्नो है वो भी सिंगल था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम 12 o'clock से वॉल रेकर को छोड़ देंगे, जिससे कि आर्टिलरी वगैरह और विजार टावर्स ख़त्म हो जाएंगे, और फिर हम बैट स्पेल को डालने वाले। तो चलते हैं अटैक के लिए। तो सबसे पहले वॉल रेकर 12 o'clock से थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद विजार्ड शायद डाल देनी चाहिए पनल वगैरह के लिए। तो वॉल रेकर हमारा सीधा सीधा जा रहा है आर्टिलरी की तरफ, हमें सिर्फ विजार्ड टावर को टारगेट करना है, जिससे कि स्केलेटन्स को प्रॉब्लम ना आए। हमें सिर्फ वो चाहिए, आर्टिलरी आ जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। हमें सिर्फ विजार्ड टावर्स को ही टारगेट करना है, और ये हमारे बलून्स आ चुके हैं, उसी के साथ बैट स्पेल्स, उस पर एक रे स्पेल जिससे कि बलून को थोड़ी सी रेज आ जाए, और दो फ्रीज हमने विजार्ड टावर पे डाल दिए। और अब हम पीछे से बीच बॉलर्स और बलून्स डालने वाले हैं, बॉलर्स डालने वाले, और हम जो वॉल ब्रेकर्स है वो साइड के वॉल्स पे डालने वाले, जिससे कि दोनों कंपार्टमेंट डाउन हो जाएंगे। और हमारे सभी ट्रूप स्कोर में जा चुके हैं, पर शायद बाहर जा चुके हैं, पर हमारा बार बेंकिंग और जाइंट वगैरह अंदर जा चुके हैं। वहाँ पे सिंगल इंफर्नो है, इसलिए कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मल्टी इंफर्नो सबसे ज़्यादा स्केलेटन को टारगेट करता है। और ये तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो हमारा बार बेंकिंग टारगेट हो गया सिंगल इंफर्नो के साथ। यहाँ पे हमने हिल्स पर डाल ली, इसलिए बॉलर्स बच चुके हैं। वहाँ पर जाइंट बॉम्ब फूट चुका था, और ये इंफर्नो ने यार क्या हो चुका, गॉर्डन को टारगेट कर दिया है। अभी भी हमारे पास आर्चरी क्वीन की एबिलिटी बाकी है, वो हम लास्ट में दे देंगे, जिससे कि सिंगल इंफर्नो हमारे आर्चरी क्वीन को मार ना पाए। और मुझे नहीं लगता है मल्टी सिंगल इंफर्नो इतना पागल है कि वो आर्चरी क्वीन को टारगेट करेगा। तो ये एक वो टूट चुका है अब तो, और अब सभी के सभी स्केलेटन्स सिंगल इंफर्नो की तरफ जा रहे हैं, और बीच ने ही सिंगल इंफर्नो को छोड़ दिया है, और इसी के साथ अब हमारा 3-star अटैक होने जा रहा है। तो अब सिर्फ दो ही बिल्डिंग बाकी है, और ये अब एक ही, और ये फूट चुका। तो इसी के साथ हमारा ये 2 3-stars अटैक हो चुके हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो इसी के साथ हमारे 11 star हो चुके हैं, बाकी के स्टार हमारे क्लैनमेट्स कर देंगे, जिससे कि हम ये वॉर जीत जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए क्लैशिंग गेमर्स चैनल को, जिससे कि आपको क्लैश ऑफ क्लैंस की नई नई वीडियो मिलते रहे। गुड बाय।